Chevy 8. अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है ये हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली अगर देखा जाए तो हम फर्स्ट में सारी सारी डिस्कस कर चुके हैं सही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे, लिख भी लेंगे दोबारा। तो हाइब्रिडाइजेशन लफज देखिएगा कि लफज का मीनिंग क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है। हाइब्रिडाइजेशन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करना है तो हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी नहीं इंपॉर्टेंट, आगे जाके बेंजीन की स्ट्रक्चर आएगी वहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मुख्तलिफ कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे इंपॉर्टेंट है। आप कहता है हाइब्रिडाइजेशन होता है दो चीजों, हाइब्रिड एक होता है हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड बीज ऐसा बीज होता है जिसके अंदर दो पौधों की क्वालिटीज या तीन पौधों की क्वालिटीज इकट्ठी होती हैं। ये दो तीन खसूसियात इकट्ठा मिला के एक खसूसियत बना दी गई है कि इसको ये वाला जो बीज है इसके अंदर इस पौधे की खसूसियत है, इस पौधे की खसूसियत है, इस पौधे की खसूसियत है, उसको हम कह रहे होते हैं ये हाइब्रिड बीज है। अब हाइब्रिडाइजेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं। अब उन ऑर्बिटल्स की पहले नंबर पर एनर्जी डिफरेंट होगी, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होगी और सेकेंड नंबर पर उनकी शेप भी डिफरेंट होगी। सही है, मसलन आपने ऑर्बिटल्स पड़े हुए, एस ऑर्बिटल की राउंड शेप होती है, पी ऑर्बिटल की डंबल लाइक शेप होती है। वो डंबल लाइक शेप भी आगे तीन तरह की कैटेगरीज में पाई जाती है, एक होता पी एक्स ऑर्बिटल, एक होता पी वाई ऑर्बिटल, एक होता पी जी ऑर्बिटल। सही है, और डी ऑर्बिटल की शेप भी आपको पता है, उसकी डबल डंबल लाइक होती है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद जितने ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही आगे नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। वो जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी शेप भी सेम होती है, जितने बनेंगे उनकी एनर्जी भी सेम होगी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं, द प्रोसेस, ये वो तरीका कार है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ऑफ मिक्सिंग अप, ये आपस में मिलने का वो तरीका कार है इन विच मिक्सिंग अप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल, डिफरेंट ऑर्बिटल। अब जो डिफरेंट ऑर्बिटल मैंने वर्ड यूज किया है, ये दो तरीकों से डिफरेंट हो सकते हैं, शेप के लिहाज से भी, एनर्जी के लिहाज से भी। डिफरेंट ऑर्बिटल हैविंग, ये क्या रख सकते हैं, हैविंग डिफरेंट शेप, इनकी शेप भी मुख्तलिफ हो सकती है, एंड डिफरेंट, एंड डिफरेंट एनर्जी, दो चीजें दोनों की मुख्तलिफ है। तो जो ऑर्बिटल होगा उसकी शेप भी मुख्तलिफ है, एनर्जी भी मुख्तलिफ है। अब ये आपस में मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद ऐसे ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी शेप भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। डिफरेंट शेप एंड एनर्जी टू फॉर्म, बनाने के लिए टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, न्यू ऑर्बिटल हैविंग, न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं जिसकी होती है हैविंग सेम एनर्जी, सेम एनर्जी और शेप, सेम एनर्जी होती है और शेप भी इनकी सेम होती है। इस तरह के ऑर्बिटल को हम एक नाम देते हैं, वो आपने पढ़ा कि डीजनरेट ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो उन ऑर्बिटल्स को नाम देते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। बस ये बात आपने याद रखनी है, जिनकी एनर्जी सेम हो उनको क्या कहते हैं जी, डीजनरेट, जनरेट ऑर्बिटल। बस ये बात आपने छोटी सी याद रखनी है, जहन में रखनी है, ये है डेफिनेशन। अब कहता है अगर कार्बन एटम की वैलेंसी पे गौर किया जाए ना, हमें ऐसा लगता है कि कार्बन एटम दो बॉन्ड बनाएगा, हमें ऐसा लगेगा कि कार्बन एटम सिर्फ और सिर्फ दो बॉन्ड बनाएगा। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, साइंसदान ने कहा था जी कोई भी एटम उतने बॉन्ड बनाता है जितने उसके पास पार्शली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे। अगर एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो एक बॉन्ड, मसलन मैं एग्जाम्पल देता हूँ जी, ये वाली चीज, हाइड्रोजन के पास वन एस
एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऑर्बिटल है ना, कोई भी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जी, हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब कह रहे हैं जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ना किसी भी चीज के पास, वो एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है। मसलन मैं ये कहता हूं ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हाइड्रोजन की है, अब इसके पास कितने पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है, एक, इसलिए हाइड्रोजन आपस में एक बॉन्ड बना रहा था। मैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूं, ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ये होता है 1s2, 1s2, 2s, 2 आगे आ जाता है 2px, 2py और 2pz। अब देखे चार तो हमने फिल कर दिए, चार फिल करने का तरीकाकार ये था कि आपने सबसे पहले सेंस स्पिन के साथ सब में डाल दें, फिर अगर कोई बचता है तो उसको ऑपोजिट स्पिन के साथ डालना, बेशक वो आप इसमें डाल, इसमें डाल दें, इसमें डाल दें, मैंने क्या किया इसमें डाल दिया। अब इसके पास देखे कितने पार्शली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बच रहे हैं, दो। इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन हमेशा आपस में दो बॉन्ड बनाएगा, सही है। ये था छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पे यूज होता था। वो कहता है जितने पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं एटम उतने ही ऑलमोस्ट, जो भी बात होती है वो तकरीबन तकरीबन जनरलाइज्ड फॉर्म में हम कहते हैं ऑलमोस्ट उतने ही बॉन्ड बनाता है। चलो जी ये बात भी हो गई। अब बात आ जाती है कार्बन की वैलेंसी पे, कार्बन एटम पे, क्योंकि हमने यहाँ पढ़नी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई सी और चीज का, जिससे हमें लास्ट में पढ़ाते जी हाइब्रिडाइजेशन में BF3 मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल, हमने यहाँ पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के रिलेटेड चीजें हमने डिस्कस करनी है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वैलेंसी को डिस्कस करेंगे और किसी कंपाउंड की वैलेंसी को हमने डिस्कस नहीं करना, और उसी की मुख्तलिफ एग्जाम्पल SP2, SP3 और SP हाइब्रिडाइजेशन को भी उसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जो कि यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होती है। हमने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लेनी यहाँ पे कि आप ऐसे ही वाटर को भी एक्सप्लेन करते रहें, BF3 को एक्सप्लेन करते रहें, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये वो आप फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें। एक्सप्लेनेशन में आपने ये सबसे पहले बात बतानी है एक्सप्लेनेशन के, अगर कार्बन एटम की वैलेंसी देखी जाए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम इज गिवन बिलो, द इलेक्ट्रॉनिक, हम पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम is given below, ये नीचे दी जा रही है। क्या हमारे पास कार्बन एटम में होते हैं जी 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही है, कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इनकी वैलेंसी करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, तो ये हमारे पास बनेगा जी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, आगे बढ़ जाएंगे 2px, 2py और 2pz, सही है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा, कहता आप अगर वैलेंसी पे गौर करें ना, इसके पास कितने पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दो। हमें ये लग रहा है कि बाई वैलेंट एटम होगा, बाई वैलेंट का मतलब होता है ऐसा एटम जो कि दो वैलेंसी शो करे। वैलेंसी का मतलब जितने कोई बॉन्ड बना सकता है ना कोई भी एटम, उसकी वैलेंसी होती है। मसलन मैं कहता हूं जी HCl में जो H है, बस हम ये वाली एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, HCl में ये जो H है इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी वैलेंसी भी क्यों 1 है, क्योंकि एक बॉन्ड बनाया हुआ है, सही। बाईवैलेंट जो दो बॉन्ड बना सके, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, यानी इस वैलेंट के वर्ड को आपने याद रखना है, वैलेंसी से निकला है, यानी कि कोई एटम जितने बॉन्ड बना सकता है ना वो इसका वैलेंट होता है, वैलेंसी होती है, सही। कहता है हमें यहां से ये लग रहा है कि ये कार्बन एटम क्या होगा, बाई वैलेंट, बस यही बात पहले लिखें, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें एक बात का पता चल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम को बाईवैलेंट होना चाहिए,
लेकिन कहता है कि जितने भी कंपाउंड आप पढ़ लें, जितने भी कंपाउंड पढ़ लें, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? चार बॉन्ड। लेकिन ये टेट्रावेलेंट है। इसको एल पॉलिंग साइंटिस्ट था जिसने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी थी, उसने इसको हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। कहता असल में ना हो जाती है यहाँ पे एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन क्या होती है? कहता यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, हम एनर्जी खुद देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये बात देखेंगे एनर्जी आती कहां से। कहता यहां से एनर्जी मिलेगी इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां पे चला जाता है। सही है। अब ये बात हमने लिखनी है कि ऑन एक्साइटेशन ऑफ कार्बन एटम, नेक्स्ट पॉइंट में, ऑन एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को एनर्जी दें, एनर्जी देने के बाद वो चीज इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिटल में मूव हो जाए। एक्साइटेशन का मतलब क्या है कि अगर किसी चीज को एनर्जी दें, वो इनर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में मूव हो जाए, इस प्रोसेस को एक्साइटेशन कहते हैं। सही है। अब कहता है ऑन एक्साइटेशन, एक्साइटेशन में द इलेक्ट्रॉन मूव, इलेक्ट्रॉन हरकत कर जाता है कहां से? 2s ऑर्बिटल से 2pz ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल 2s से 2p एटॉमिक ऑर्बिटल में मूव कर जाता है। और इसको हम किस तरह लिखेंगे? इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, कार्बन 6 या आप लिख लेना है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट कि ये मैं एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी बना रहा हूं। तो क्या होगा कि 1s तो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है और यहां पे चला जाएगा। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास, तीन ऑर्बिटल 2px, 2p y और 2p z। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब चेक कर लें कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं यहाँ पे, 1, 2, 3 एंड 4। ये जाहिर करता है कि कार्बन एटम वाकई ही टेट्रावेलेंट है, ने चार बॉन्ड बना सकता है क्योंकि एक्साइटेशन हुई है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे गया है, जिसकी वजह से हाफ फिल्ड या पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की तादाद बढ़ गई है और इसी वजह से कार्बन एटम चार बॉन्ड बना सकता है। सही, यही बात लिख लीजिए, द एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम, द एक्साइटेड कि ये जो एक्साइटेड स्टेट है हमें ये बता रही है कि इसके अंदर चार पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है और इसी वजह से ये चार बॉन्ड बना सकता है, इसलिए टेट्रावेलेंट है। दो बातें याद रखनी है, बाइवेलेंट एंड टेट्रावेलेंट। बाइवेलेंट का क्या मतलब है और टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है? चले, ऑन एक्साइटेशन, एक्साइटेशन कार्बन एटम इज टेट्रावेलेंट। टेट्रा वैलेंट मीन, टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है, यहां पे थोड़ा सा वो लगा के कॉमन लगा के इसका मतलब बता दिया। मेन कार्बन एटम फॉर्म, कार्बन एटम फॉर्म, कार्बन एटम बनाता है कितने हमारे पास और बॉन्ड? कार्बन एटम फॉर्म फॉर बॉन्ड टू अनदर एटम, टू अनदर एटम। मजे की बात है, यहां सिर्फ और सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी है, बाकी चीज सिर्फ जहन में रखनी है कि कार्बन एटम अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हमें ऐसा लगता है कि कार्बन बाईवेलेंट होगा, लेकिन एक्साइटेशन एल पॉलिंग ने यह बताया कि अगर एटम की एक्साइटेशन होती है इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिटल में, आप इलेक्ट्रॉन मूव करवा देते हैं, तो यही एटम आपका टेट्रावेलेंट, जो कि अमूमन हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम अपने चार की वैलेंसी शो कर रहा होता है। सही है, ये काम हो रहा होता है। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स, कितने टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की? हमने जो पढ़ी है वो तीन ही है, लेकिन तीन से इसकी 7-8 टाइप्स हैं, लेकिन यहां पे भी तीन ही पढ़नी है हमने, कोई चौथी पांचवी छठी सातवीं पे नहीं जाना, उसके अलावा भी टाइप्स हैं, लेकिन हम अपने जो मेन टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वही लिखते हैं। पहली sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन
सेकेंड एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा ये वाली भी इसकी टाइप है, डी एसपी टू, डी एसपी थ्री, डी टू एसपी, ये भी इसी की ही टाइप्स हैं। या इस तरह भी आप कह सकते हैं एसपी टू डी। तो ये हमारी सारी की सारी इसकी टाइप्स आ जाती हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। लेकिन ये वाली ही हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ये वाली टाइप सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर आप नेक्स्ट कभी केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहां पे ये वाली टाइप से आपको मिल जाएंगी, सही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक आधा नाम में भी लिखा हो, लेकिन आपने फोकस करना है इन्हीं टाइप्स के ऊपर। हमारी मेन मेन टाइप्स यही है। चलो स्टार्ट करते हैं, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग दे लें, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले वही बात है जी, डेफिनेशन करें। डेफिनेशन में आपने कहां स्टार्ट करना है, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कीजिएगा। क्या कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक एस तीन पी मिलते हैं और इनके मिलने से चार इक्विवेलेंट या डीजेनरेट ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम हो, शेप भी सेम हो, इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो अगर सिंपल बात कहूं कि एक एस मिले, तीन पी ऑर्बिटल मिले, इनके मिलने से हमारे पास एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है, वजूद में आती है। इसी को हमने बातों में लिखना है। द प्रोसेस वो तरीकाकार इन विच वन एस एंड थ्री पी ऑर्बिटल, एंड थ्री, ये देख लें पी के ऊपर मैंने तीन डाला हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं थ्री पी ऑर्बिटल्स आर मिक्स टुगेदर, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं एंड फॉर्म, और बना देते हैं एंड फॉर्म फोर एटॉमिक ऑर्बिटल। देखें अब एक ऑर्बिटल ये है, तीन ऑर्बिटल ये है, टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे, चार ऑर्बिटल बनेंगे, सही है। कहते चार एटॉमिक ऑर्बिटल बना दे, फॉर्म फोर ऑर्बिटल, और इन ऑर्बिटल में क्या खास बात होती है, हैविंग, इनमें यह खास बात होती है हैविंग, जो कर रखें सेम शेप एंड सेम एनर्जी, जिनकी शेप भी सेम हो और एनर्जी भी सेम हो। अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो डीजेनरेट ऑर्बिटल भी हम इनको कहते हैं, इज कॉल्ड एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन कह रहे होते हैं। अब इसी चीज का हम थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं कि डायग्राम की हेडिंग दे लें यहां पे, डायग्राम। अब डायग्राम में हमने यही चीज बतानी है, एस ऑर्बिटल पहले नंबर पे, चंद एक बातें याद रख लें, ये वाली चीज इस तरह का ऑर्बिटल, ये वाला, सही है, ये वाली चीज हमारे पास एस ऑर्बिटल है, ये क्या है एस ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल तीन तरह के होता है, ये आपने बनाना नहीं है, सिर्फ वैसे ही आपके जहन नशीन करने के लिए मैं यहां बना रहा हूं। पी ऑर्बिटल तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जी, और सारे ऑर्बिटल की शेप हमारे पास डंबल लाई की होती है। एक ऐसे है, ये पी वाई है और ये हमारे पास पी जी है, ये हमारे पास ऑर्बिटल है। इनको सिर्फ आपने जहन में रखना है कि एस ऑर्बिटल कुछ इस तरह का है, पी ऑर्बिटल इस तरह के। चले जी, ये बात आपने जहन में रख ली। इसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं कि शेप्स किस तरह बनानी। अब देखिए, मैंने कहा है जी एक एस मिलाना है, तीन पी मिलाने हैं, तीन पी का मतलब क्या है, एक पी एक्स होगा, एक पी वाई होगा और एक पी जी होगा। चलिए जी, एस ऑर्बिटल की शेप बनाते हैं। एस ऑर्बिटल की शेप होती है राउंड, क्या होती है, ये एस ऑर्बिटल। इसके साथ आपने क्या करना है जी, पी एक्स, पी वाई और पी जी, ये तीन ऑर्बिटल मिलाने।
चलो ये एक ऑर्बिटल ये हो गया पी एक्स, ये ले एक हमारे पास हो गया पी वाई वाई एक्सिस पे, और एक होगा हमारे पास पी जी जो कहां पे होगा जी एक्सिस पे। सही, अब ये चारों के चारों मिलते हैं और चार एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं जिनके सेम एनर्जी सेम शेप होती है। अब असल में जो बन रहे होते हैं ना वो कुछ इस तरह के होते हैं, वो कुछ इस तरह के होंगे। पहला एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ इस तरह का होगा, आप देखते जाइएगा, एक दो तीन चार, सही है, ये चार तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे होते हैं। अब देख रहे हैं इनकी शेप सेम है, डायरेक्शन मैंने इसलिए चेंज की है, इनकी शेप चेक करें सबकी शेप क्या है, बिल्कुल सेम है। अब कहते हैं जी ये जो छोटा कॉर्नर होता है ना, ये जो साथ में छोटा डंबल बना हुआ है, इसको हम सिंपलिसिटी के लिए क्या करते हैं जी, नहीं लिखते, कभी भी नहीं लिखा हमने साथ, हमेशा हम ये वाले बड़े ऑर्बिटल बना रहे होते हैं, छोटे ऑर्बिटल को, छोटा जो डंबल है इसको हम कभी भी जब भी शेप बना रहे होते हैं कभी वहां पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे होते, ताकि हमें ज्यादा वहां पे उलझन वगैरह करनी पड़े, वहां पे सिंपलिसिटी के लिए। अब कहते हैं चार एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी शेप भी सेम है, एनर्जी भी सेम है। अब ये चारों ऑर्बिटल इस तरह अरेंज होते हैं, देखें ये पहले मैंने अरेंज करके लिखे हुए हैं, सही है। अब ये चारों के चारों ऑर्बिटल इस तरह अरेंज होंगे कि हमारे पास ये वाली चीज बन जाएगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बन जाएगा, ये वाली चीज चेक कर लें, एक ऑर्बिटल ये वाला, ये वाला आ गया, ये वाला और ये ऊपर वाला ये, यानी कि मैंने कुछ खास स्पेसिफिक डायरेक्शन में लिखे हैं ये वाले ऑर्बिटल, और इन चारों को जब मैंने मिलाया, मिलाने के बाद मेरे पास ये वाली चीज बन जाती है। अगर आप स्पेसिफिक डायरेक्शन में ना भी लिखेंगे ना तो फिर भी काम चल जाएगा, सही है। अब यहाँ पे जो चीजें हमने देखनी है वो ये है कि सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, और यहां पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5, और शेप कैसी है जी, टेट्रा हेड्रल। अच्छा जी, इसी तरह रेंज क्यों है, बात यहां पे आ जाती है, इसी तरह ही रेंज क्यों है, ये तो चार थे, इस तरह भी रेंज हो जाते थे, हमने कौन से इनको कुछ कह लेना था कि ये एक इस तरह, एक इस तरह, एक इस तरह, एक इस तरह, ये इसी तरह रेंज क्यों है, कोई बचा, यानी ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज हुए हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, ये वाली चीज, ये इस तरह। अब ये तो इस तरह भी अरेंज हो सकते थे, तो ये इस तरह किसी तरह भी, यानी किसी भी तरीके से अरेंज कर लें इनको, ये इस तरह भी अरेंज हो जाए, हमें क्या, हमने इस तरह क्यों बनाया है, विस्पर थ्योरी पढ़ी है आपने, विस्पर थ्योरी की जो अजम्पशन सी, बेसिक अजम्पशन प्रिंसिपल जिसको कहते थे, जो बेसिक पॉइंट था वो क्या था। अच्छा एक बात याद रखिएगा, हर एक ऑर्बिटल में ना, यहां पे मैंने लिखा हुआ है एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सही है, यानी कि इस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा दो इलेक्ट्रॉन पड़े हो करीब करीब, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। अब देखें ये सारे के सारे ऑर्बिटल जिस तरह मर्जी आप अरेंज हो सकते थे, अब यहां पे आ जाता है मसला इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं जी, रिपेल करते हैं। अब कहते हैं इन ऑर्बिटल्स ने इस तरह अरेंज होना है कि इनके दरमियान में रिपल्शन मिनिमम हो जाए और डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, और यही वो शेप होती है जहां पे रिपल्शन मिनिमम होती है और डिस्टेंस ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में मैक्सिमम हो जाता है। इसे अपनी मर्जी से नहीं आप बना सकते कि ये वाला भी बना रहे, ये वाला भी, ये आपने इस पर थ्योरी का बेसिक पॉइंट था, उसने यही कहा था कि जो ऑर्बिटल होते हैं वो सेंट्रल एटम के अंदर इस तरह अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान में रिपल्शन मिनिमम एंड डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। रिपल्शन किस चीज की, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं,
यही दो बातें यहाँ पे लिखनी है। पहले नंबर पे जी बॉन्ड एंगल कितना होता है, जो इसके अलावा sp3 में शेप कैसी होती है, सही है, शेप कैसी होती है। चलिए यहां पे लिख लेते हैं इसको। पहला पॉइंट, द बॉन्ड एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल इज 109.5 डिग्री। और ज्योमेट्री जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली बनती है, नॉर्मली बात कर रहा हूं, वैसे ट्राइगोनल बाई पायरामिडल भी बनती है इसकी, मिथेन की, सॉरी मिथेन की नहीं, अमोनिया की, NH3 की, NH3 की ट्राइगोनल बाई पायरामिडल भी ज्योमेट्री बनती है, लेकिन जो नॉर्मल होती है ना sp3 में वो टेट्राहेड्रल ही हम गिनते हैं, सही है। इसमें कौन सी ज्योमेट्री बनती है, द ज्योमेट्री इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज टेट्राहेड्रल। अच्छा टेट्रा का मतलब क्या होता है जी, फॉर हेड्रल सिरों को कहते हैं, यानी यहां पे चार सिरे बन रहे हैं इसलिए हम इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। हेडवर्ड सिरे से निकल सर से, टेट्राहेड्रल चार सिरों वाला, तो इसलिए हम इसको टेट्राहेड्रल कह रहे होते हैं। तो आज के लिए इतने काफी है, कल को इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।